ओम शांति। तो आज हम संडे की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली में काफ़ी सारी खास बातें हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है रिसर्च, और आपको ये जान के बड़ा समझ के बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबा ने आज कितनी बार रिसर्च वर्ड का यूज़ किया है और कहां कहां बाबा ने रिसर्च शब्द का यूज़ किया है। और ये बहुत एप्रोप्रिएट टाइम भी है, क्योंकि लॉकडाउन में हम सबके पास रिसर्च करने के लिए टाइम है और रिसर्च करने के लिए एप्रोप्रिएट माहौल है। तो जो जो बातें आज बाबा ने कही हैं वो सारी ही ऐसी हैं जो हम लॉकडाउन में अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं आज की मुरली में, इनको हम एक एक करके बाद में भी डिस्कस करेंगे। बाबा ने डीप एक्सपीरियंसिस पे फोकस किया है। योग में हम सबको अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस को हम कितना डीप करते जाएंगे। और बाबा ने कहा योग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनकी क्या गहराई है। तो विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या होती हैं वो हमें अव्यक्त मुरलियों से पता चल जाती हैं इजीली, या जो हमारी योग के ऊपर कुछ बुक्स बनी हुई हैं स्पार्क विंग की, उससे पता चल जाती है। इसके अलावा जैसे बाबा ने कहा कि आप सितारों की लाइट कहाँ तक जाती है, कितना दूर तक जाती है और उनका प्रभाव कैसा है, तो ये सारी बड़ी गहरी एक्सपेरिमेंट करने की बातें हैं। और बाबा ने कहा कि किसी एक गुण में स्पेशलाइजेशन करना है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जिन भाई बहनों ने आज की मुरली अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए पहले पूरी थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे, ताकि उनको समझ में आ जाए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बात चल रही है। फिर हम अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे कि उनमें हमें क्या करना है, राइट। तो ये 8th जनवरी 1986 की रिवाइज मुरली है, धरती के होली सितारे। तो आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव दुनिया पर, पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं और बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाबा की हर एक लाइन में कुछ गहराई छुपी हुई होती है। पहली ही लाइन में गहराई है कि बाबा ज्ञान सूर्य हैं और हम सारे विशेष सितारे हैं। और विशेष बाबा ने कहा कि दुनिया में खोज करते हैं सितारों की और बाबा आपको देख रहे हैं। और खोज क्यों करते हैं दुनिया में, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ता है। तो फिर बाबा ने ये एक एग्जांपल दिया कि जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। तो इंटरेस्टिंग बात है ये, सितारे तो एकदम दूर से डाल सकते हैं, क्योंकि सितारे तो करोड़ों माइल्स दूर हैं और हम सारे सितारे तो पृथ्वी पर ही हैं। तो जो पृथ्वी पर रहने वाले सितारे हैं वो प्रभाव इजीली डाल सकते हैं, तो आप वो धरती के सितारे, वो हैं आकाश के सितारे। तो धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए, सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नव उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की, प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। तो बाबा ने बहुत अच्छा सा लंबा चेकिंग करने का हमें क्वेश्चन दे दिया, तो फिर से देखना पड़ेगा।
क्या क्या चेक करना है, प्रभाव डालने की चमक और झलक चेक करनी है, किन किन बातों की, शांति का सितारा, तो हमारे शांति के प्रभाव की चमक और झलक कितनी है, होली सितारा यानी पवित्रता का सितारा, सुख स्वरूप सितारा, सफलता का सितारा और सर्व की आशाएं पूर्ण करने वाला सितारा और संतुष्टता के प्रभावशाली सितारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह प्रकार की पैरामीटर्स हैं जिस पर कि हमें चेक करना है। तो क्या चेक करना है और कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, उसका एक्सटेंट कितना है, कहाँ तक है वो प्रभाव की स्पीड कितनी है, जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। तो अभी हमने जस्ट ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें आप 2 मिनट रिफ्लेक्शन करो कि बाबा ने क्या क्या चेक करने की बात की है। आप कुछ पॉइंट इसमें से नोट भी कर सकते हैं। तो आज की मुरली खासतौर से उन भाई बहनों को बहुत पसंद आएगी जिनका प्रयोगी आत्मा वाला स्वरूप थोड़ा रहता है, जिनको एक्सपेरिमेंटेशन में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, योग के प्रयोग करने में इंटरेस्ट है, योग की गहराई में जाने में इंटरेस्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है, ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। तो ये भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज की तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। तो इंटरेस्टिंग टर्म है रूहानी रिसर्च, रूहानी रिसर्च। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। तो बाबा कह रहे हैं वो रिसर्च करेंगे आपको ढूंढने के लिए और आप रिसर्च करो अपने आप को संपन्न बनाने के लिए। तो सभी गुण हैं लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को उसमें विशेष संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत मुख्य पॉइंट है आज की मुरली का और ये जरूर हम सबको होमवर्क करना है। तो जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते हैं, मतलब कि सारा ज्ञान तो है और सारे बेसिक इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं अपने भी औरों के भी, लेकिन किसी एक विशेष चीज में मास्टरी चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है या आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ऐसी कौन सी एक बात है जिसमें हमारी कंप्लीट मास्टरी है, किस गुण के या किस शक्ति के या किसी और अन्य विशेषता के हम विशेषज्ञ हैं। तो उस एक बात को आइडेंटिफाई करके उस पे हमें और उसको शार्प करना है, उसकी और गहराई में हम जा सकते हैं। तो आप चाहें तो ये शेयर भी कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में और चाहें तो आप इस पे इंट्रोस्पेक्शन और आगे भी कर सकते हैं।
तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता की प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कहकर मानते हैं और पूजते हैं, है शक्ति स्वरूप लेकिन विशेषता विद्या की देवी कहकर पुकारते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, कहकर पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते हुए भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। एक विशेषता में विशेष रिसर्च करना है। इस वर्ष में हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो। कितना अच्छा होमवर्क है ये। इस वर्ष में हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। फिर ये जो लाइन अब आ रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। गुहता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन, गहे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्वात्माओं के आगे ज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसीलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आज की मुरली का, और इसमें बहुत सारा होमवर्क है। तो जो भी भाई बहन सुन रहे हैं अभी, वो जरूर इस बात पे फोकस करेंगे, नोट करेंगे, और कुछ इसमें नई बातें लेकर आएंगे डेफिनेटली, कि पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न स्टेजेस कौन सी हैं जिन पे हमें रिसर्च करनी है, याद की भिन्न भिन्न स्टेजेस कौन सी हैं। और ये हमें क्वेश्चन पूछने की बात नहीं है कि कौन सी हैं, क्योंकि अभी तक हमने करीब हम सभी ने 540 अव्यक्त मुरलीज पढ़ी हैं, तो उसमें से हम सबको आइडिया लग गया है कि कौन कौन सी बातें बाबा ने बताई हैं गहराई की। बाबा ने सब कुछ बताया है, फिर बाबा ने कहा क्योंकि ये गोल्डन जुबली ईयर है कि हर एक द्वारा सभी को ये अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो, जैसे लाइट के किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। तो हर संकल्प हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने की निमित्त हो, यही गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है यह नहीं सोचना, मैं पारस हूँ यह समझना है। ये कितनी अच्छी सॉल्यूशन सेंटर की अप्रोच है। तो पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना, यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है। अभी तो क्या होता है ना कि कोई भी एस्टेरॉयड है या कोई भी ऐसी हेवनली बॉडीज हैं, धरती के नज़दीक आती है तो लोग डरते हैं कि वो धरती से टकरा जाएगा तो क्या होगा, तो बहुत डर होता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं, चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए।
तो आप ये भी नोट कर सकते हैं आज के बाबा ने कितने तरह के सितारों के टाइटल हमें दिए हैं। तो शुरू पहले ही पैराग्राफ से बाबा ने कहा है ऐसे सितारे वैसे सितारे, तो आप सारे नोट कर सकते हो। तो सुख शांति के सितारे आ गए, अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। तो यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। तो फिर बाप दादा ने वदन में भी दृश्य इमर्ज किया। तो दृश्य क्या था? तो ये बाबा के टॉपिक ट्रांजिशन करने का तरीका है। सितारों की बात चल रही थी, अब सितारों की बात से ट्रांजिशन होकर दूसरी बात आ गई, जिसमें बाबा ये बता रहे हैं कि सेवा करने में क्या क्या ध्यान रखना है और छोटी छोटी क्या बातें सेवा में होती हैं, जिनको बहुत ध्यान से रखेंगे तो बहुत प्रभावशाली सेवा हो सकती है। तो बाबा ने इसमें डिटेल में बताया है, वो हम स्किप करेंगे अभी, लेकिन बाबा ने टोटल उसका सार यही बताया कि बहुत सिस्टमेटिक हो और वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उस समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सब एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं, ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख्य भाषण नहीं लेकिन शांति का भाषण करना है। तो यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। तो इसी प्रकार ऐसा वायुमंडल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावें। क्योंकि जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो शॉर्ट एंड स्वीट ही बोलना है, बाबा ने ऊपर 3-3 मिनट का बताया, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं बाद में। तो ना हलचल में आओ और ना हलचल में लाओ, हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है, यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। तो सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभव के रत्न स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विषय सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाबा को धन्यवाद और नमस्ते। टीचर्स के संग मुलाकात में बाबा ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं कि नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? उमंग उत्साह चाहिए, वो भी सदाकाल का चाहिए। कभी कभी की उमंग उत्साह से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और जितनी नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएँ हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह की बाबा ने कुछ और बातें बताई। फिर बाबा ने सदगुरुवार को सुबह 6 बजे बच्चों को याद प्यार दिया और आज का वरदान, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी और फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन है, अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ।
तो अगेन फिर हम आते हैं आज के मुख्य होमवर्क पर, मुख्य बातों पर। पढ़ ली तो हमने पढ़ ली, हम सब ये भी कहेंगे बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, बड़े गहरे पॉइंट्स थे, लेकिन हमें थोड़ा सा और टाइम देके इनकी गहराई में जाना है। तो किन किन बातों की गहराई में जाना है? एक शब्द बार बार याद रखना है, रिसर्च, विशेष रिसर्च करना है, हर एक गुण की, हर एक शक्ति की, याद की भिन्न भिन्न स्टेजेस की, पुरुषार्थ की स्टेजेस की महीनता से रिसर्च करना है, गुहिता में जाना है, डीप एक्सपीरियंसेस करने हैं, अनुभव के सागर के तले में जाना है। इन सब बातों के लिए थोड़ा चाहिए मौन, थोड़ा चाहिए एकांत, थोड़ी चाहिए लगन और थोड़ा चाहिए सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो उम्मीद है कि आप सब भाई बहन इस बात के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च के लिए तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे रिसर्च इज ऑन, क्योंकि आप डीप एक्सपीरियंसेस करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं हम कितने लोग रिसर्च के लिए तैयार हैं। तो रिसर्च करते जाएंगे, अपनी अपनी फाइंडिंग्स भी शेयर करते रहेंगे। अभी भी कई भाई बहन करते रहते हैं, तो आने वाले टाइम में हर एक गुण की रिसर्च, हर एक शक्ति की रिसर्च, याद की भिन्न भिन्न स्टेजेस और पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न स्टेजेस। तो आपको क्या लगता है कि बाबा ने कौन कौन सी याद की भिन्न भिन्न स्टेजेस बताई हैं और कौन सी पुरुषार्थ की स्टेजेस बताई हैं, और अब तक की मुरलियों की स्टडी के आधार पर आपका क्या कंक्लूजन है, ये भी आप बता सकते हो। तो इससे ये एक तरह से हमें अपनी पिछली सारी मुरलियाँ भी रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा दिन है आज, हम सबके पास मौका है कि फिर से हम सारी बातें रिवाइज करें, फिर से अपनी डायरियों के पन्नों को पलटें और फिर से अनुभव के सागर में गहराई में जाएं। तो आज ये अपने आप से पक्का करेंगे कि अनुभव की गहराई में जाते जाएंगे और सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ऊपर रहने वालों को मछली मिलती है और गहराई में जाने वालों को हीरे मोती मिलते हैं। तो 2 मिनट अभी मौन में, साइलेंस में बैठेंगे, फिर कंप्लीट करते हैं। ओम शांति।